integrate it, add wings to your career. Welcome friends, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल Integrate It पर. मैं आप सबको राजस्थान कला व संस्कृति विषय पढ़ाऊंगा. जुड़े रहिएगा आगामी वीडियोस में. राजस्थान कला संस्कृति के रेगुलर वीडियोस आप सबको मिलते रहेंगे. अपना प्रेम वसने चैनल पर बनाए रखिएगा. आज के इस वीडियो में राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का एक टॉपिक, राजस्थान की प्रमुख हस्तकलाएं हम सीखेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. राजस्थान की विभिन्न हस्तकलाओं के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं. एक एक हस्तकला को हम डिटेल से याद करेंगे. शुरुआत करते हैं. सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट भी है, नाम आपको याद रखना है, मीनाकारी कला. मीनाकारी कला क्या होता है? मीनाकारी कला के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं, सारी चीज़ें हम डिटेल से याद करना चाहें. तो पहला फैक्ट आपको याद करना है कि मीनाकारी कला का डेफिनेशन सिंपल सा, इसकी परिभाषा क्या है मीनाकारी कला का. तो विभिन्न तरह के जो आभूषण है, सोने चांदी के आभूषण, उनके ऊपर डिज़ाइन बनाने का जो काम किया जाता है वो इस कला के अंतर्गत किया जाता है. सोने चांदी के आभूषणों पर डिज़ाइन बनाने की कला मीनाकारी कला कहलाती है. राजस्थान में मीनाकारी कला का जो सबसे बड़ा केंद्र है वो जयपुर है. राजस्थान में मीनाकारी कला कहाँ की प्रसिद्ध है, ऐसा आपसे पूछ ले तो राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध स्थान जो है वो है जयपुर. मीनाकारी कला को राजस्थान लाने का श्रेय किसको जाता है, इसका प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया. तो आपको याद करना है कि जयपुर राजवंश के अंदर एक शासक है मानसिंह कछवा, और मानसिंह द्वारा इस कला को लाया गया. तो राजस्थान में इस कला को लाने का श्रेय जो है वो जाएगा मानसिंह को. मानसिंह प्रथम, जयपुर के शासक, अकबर के दत्तक पुत्र भी कहा जाता है मानसिंह को, और यही मानसिंह इस हस्तकला को लाते हैं. अगला फैक्ट आपको याद करना है, मीनाकारी कला जो है, इस मीनाकारी कला के प्रसिद्ध कलाकार कौन है. राजस्थान में मीनाकारी कला के सबसे प्रसिद्ध कलाकार आपको नाम याद रखना है, कुदरत सिंह. ये कुछ फैक्ट सरल सरल से आप मीनाकारी कला के बारे में याद कर सकते हैं. इस प्रकार विभिन्न सारी हस्तकलाओं को हम डिटेल से याद करेंगे. पहली हस्तकला हम पढ़ रहे हैं मीनाकारी कला. मीनाकारी कला की हमने सबसे पहले परिभाषा याद की, एक बार वापस रिवाइज करवा लेता हूँ कि सोने चांदी के आभूषणों पर डिजाइन बनाने का काम मीनाकारी कला के अंतर्गत किया जाता है. राजस्थान में मीनाकारी कला जयपुर की प्रसिद्ध है, और इस कला को राजस्थान लाने का श्रेय जो है वो मानसिंह प्रथम को जाता है, जयपुर के शासक. मीनाकारी कला के प्रसिद्ध कलाकार कुदरत सिंह है, ये आपको सरल सा याद करना है. एक इस पूरे फैक्ट को आप ट्रिक से याद करना चाहे तो एक ट्रिक भी आप याद कर सकते हैं. अल्फ़ाबेट आप पढ़ते हैं तो वहाँ एम के बाद एन याद करना, आप सभी जानते हैं ABCD में. तो एम से याद करना है मीनाकारी, प्रसिद्ध कलाकार का नाम बहुत बार पूछा जाता है. और एन से याद करना है नेचुरल से आप याद कर सकते हैं कुदरत सिंह, कुदरत को नेचुरल भी आप ऐसे याद कर सकते हो. MN से आप याद कर सकते हैं मीनाकारी कला. तो कुछ फैक्ट, सरल सरल से ट्रिक, और ये हस्तकला का पहला फैक्ट हमने याद किया, पहली हस्तकला याद की मीनाकारी कला, प्रसिद्ध जयपुर की, राजस्थान में लाने का श्रेय मानसिंह प्रथम, और प्रसिद्ध कलाकार का नाम कुदरत सिंह आपको याद करना है. नेक्स्ट एक और हस्तकला इसके बाद अध्ययन करते हैं हम, उसका नाम है ब्लू पॉटरी. ब्लू पॉटरी भी इसी तरह जयपुर की ही प्रसिद्ध है. आप साथ साथ लिखते रहना सारी चीज़ें, और अपने रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना. पहली हस्तकला हमने पढ़ ली मीनाकारी कला, दूसरी हस्तकला का नाम याद करना है ब्लू पॉटरी कला. ब्लू पॉटरी कला भी जयपुर की प्रसिद्ध है. ब्लू पॉटरी कला के अंतर्गत इसकी परिभाषा हम याद करना चाहें तो चीनी की मिट्टी जो होती है उससे जो बर्तन बने होते हैं उसके ऊपर ब्लू रंग से चित्रांकन किया जाता है, ब्लू रंग से चित्र बनाए जाते हैं, और ये कला का जो है नाम हो जाएगा ब्लू पॉटरी. चीनी की जो मिट्टी है उससे बने जो बर्तन होते हैं उन बर्तनों पर ब्लू रंग का प्रयोग किया जाएगा और ब्लू रंग से चित्र बनाए जाएंगे.
चित्रकारी की जाएगी और यह कला कहलाएगी ब्लू पॉटरी कला। राजस्थान में ब्लू पॉटरी कला जो प्रसिद्ध है, यह कला भी जयपुर की ही प्रसिद्ध है। और जैसा हमने याद किया था मीनाकारी कला, इससे जस्ट पिछले वाले सेशन में, ब्लू पॉटरी कला और मीना पॉटरी कला दोनों की लोकेशन एक ही याद करनी है, जयपुर। और मीनाकारी कला में भी हमने याद किया था कि मीनाकारी कला को राजस्थान लाने का जो श्रेय था वो था मानसिंह प्रथम, जयपुर के शासक। सिमिलरली यहाँ पर इस ब्लू पॉटरी कला को भी राजस्थान में लाने का श्रेय, राजस्थान में लाने का श्रेय भी मानसिंह ही है, मानसिंह प्रथम। इस कला को भी मानसिंह द्वारा लाया गया, ब्लू पॉटरी कला को। ब्लू रंग से चित्रांकन, ब्लू पॉटरी कला हो जाएगा। चीनी की मिट्टी का जो बर्तन है उसका प्रयोग किया जाएगा, प्रसिद्ध जयपुर की है। और एक और फैक्ट आप याद करें, यह जो कला है मूलतः पर्शिया ईरान की है। कई बार प्रश्न डायरेक्टली पूछा जाता है कि ब्लू पॉटरी जो कला है ये मूलतः कहाँ की, इसका मूल स्थान कौन सा है, तो मूलतः पर्शिया ईरान, ईरान की कला। ऐसा प्रश्न आपसे पूछ ले कि निम्न में से कौन सी हस्तकला मूलतः ईरान की है, चार हस्तकलाओं के नाम पूछ ले ऑप्शन में, तो वहाँ आपको टिक करना है ब्लू पॉटरी। ब्लू पॉटरी कला जो है वो मूलतः पर्शिया ईरान की है। अगला फैक्ट आपको याद करना है इसी ब्लू पॉटरी के बारे में, प्रसिद्ध कलाकार का नाम। हमने याद किया था मीनाकारी कला के अंतर्गत कुदरत सिंह नाम याद किया, वहाँ पर ही आप सिमिलर याद कर सकते हैं प्रसिद्ध कलाकार का नाम। कृपाल सिंह शेखावत जो है वो ब्लू पॉटरी कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो यहाँ एक बार रिवाइज कर लीजिए वापस, ब्लू पॉटरी कला राजस्थान में लाने का श्रेय मानसिंह प्रथम को जाता है। ब्लू पॉटरी कला क्या होता है, चीनी के जो बर्तन होते हैं मिट्टी से बने, उन पर ब्लू रंग से चित्रांकन किया जाएगा, ब्लू रंग का प्रयोग करके पेंटिंग की जाएगी और वो बर्तन तैयार होता है, वही ब्लू पॉटरी कहलाता है। ब्लू पॉटरी मूलतः कहाँ की है, पर्शिया ईरान की है। और राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध कहाँ की है, तो जयपुर की प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो नाम आपको याद करना है कृपाल सिंह शेखावत। अब यहाँ इस फैक्ट को भी आप ट्रिक से याद करना चाहें तो आपको याद करना है पा पा पा, ये ट्रिपल वाला नाम आपको याद करना है, तीन लेटर में पा नाम याद कर सकते हैं आप। पास याद करना है ब्लू पॉटरी, ये वाला पा। अगले पास आप याद कर सकते हैं कृपाल सिंह शेखावत, और एक और पा लिखा हुआ है इससे आप याद कर सकते हैं प से पर्शिया ईरान। तो ट्रिपल प नाम आप याद रख लीजिएगा और इससे ट्रिक से आप तीनों चीज़ें एक साथ याद कर सकते हैं, ब्लू पॉटरी, कृपाल सिंह शेखावत, पर्शिया ईरान। तीन नाम इंपॉर्टेंट है, तीनों एक साथ आप याद कर सकते हैं। इस तरह के प्रश्न ब्लू पॉटरी से बहुत बार पूछे जाते रहते हैं। अगली कड़ी में ब्लू पॉटरी से सिमिलर ही है, जैसे बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि ब्लैक पॉटरी कहाँ की प्रसिद्ध है, कागज़ पॉटरी कहाँ की प्रसिद्ध है, सोनारी पॉटरी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो वो भी सारे फैक्ट आप साथ साथ याद रखिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं ब्लैक पॉटरी कहाँ की प्रसिद्ध है, चार जिला ऑप्शन में पूछे जाते हैं, पाली, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, तो आपको उत्तर करना है कोटा। ब्लैक पॉटरी जो है वो प्रसिद्ध है कोटा की। एक और नाम आप याद रखें सुनहरी पॉटरी जो है ये प्रसिद्ध है बीकानेर की। सुनहरी पॉटरी बीकानेर की प्रसिद्ध है। एक नाम आप याद रखें कागज पॉटरी, और वहां नाम आपको याद रखना है अलवर। कागज पॉटरी कहाँ की प्रसिद्ध है, अलवर। ये चारों आप तुलनात्मक भी पूछे जा सकते हैं प्रश्न, ब्लू पॉटरी, कागज पॉटरी, सुनहरी पॉटरी और ब्लैक पॉटरी। चार नाम दे देंगे सामने, चार जिले दे देंगे, आपस में क्रॉस मैच करो, तुलना करो, तो यहाँ भी प्रश्न बनता है, वो भी आप जरूर याद रखें। तो ये पॉटरी वाला सेशन बहुत बार पूछा जाता रहता है, तो अगली हस्तकला हमने ये पढ़ा पूरा पूरा ब्लू पॉटरी सेशन। नेक्स्ट एक और हस्तकला इसके बाद पढ़ते हैं। अब तक हमने मीनाकारी और ब्लू पॉटरी दो हस्तकलाओं का एक सामान्य सा अध्ययन किया है। आगे एक और हस्तकला, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियोस में मैं हस्तकला से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते रहते हैं वो सारे के सारे फैक्ट के साथ साथ आपको समझाऊंगा, और वीडियो पूरा हस्तकलाओं से संबंध रहने वाला है। अगर आपका कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा,
आपको डाउट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट एक और हस्तकला पढ़ते हैं, ब्लू पॉटरी हमने पढ़ा, मीनाकारी पढ़ा, अगली हस्तकला आपको पढ़ना है काष्ठ कला। काष्ठ यानी होता है लकड़ी, और लकड़ी की विभिन्न तरह की जो सामग्री बनाई जाती है वो काष्ठ कला के अंतर्गत, मुख्य रूप से राजस्थान में काष्ठ कला जो बस्सी गांव चित्तौड़ की प्रसिद्ध है। आपसे प्रश्न पूछ ले काष्ठ कला राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है, तो बस्सी गांव चित्तौड़ की यह प्रसिद्ध कला है। प्रसिद्ध कहाँ की है, बस्सी गांव चित्तौड़। लकड़ी के जो मंदिर बनाए जाते हैं जिन्हें बेवान कहा जाता है, गणगौर बनाई जाती है, ये सारी कलाकृतियाँ इस कला के अंतर्गत बनाई जाती हैं, विभिन्न तरह की वस्तुएं बनाई जाती हैं। एग्जाम्पल के हम दो तीन याद करना चाहें तो लकड़ी के मंदिर जिन्हें बेवाण कहा जाता है ये बनाया जाता है इस कला के अंतर्गत, लकड़ी की गणगौर बनाई जाती है। ऐसा पूछ ले आपसे कि राजस्थान में गणगौर बनाने की कला कहाँ के प्रसिद्ध है, तो भी आप याद रख सकते हैं बस्सी चित्तौड़ के प्रसिद्ध है। गणगौर बनाने की कला किस कला के अंतर्गत आएगा, तो वो भी काष्ठ कला के अंतर्गत आएगा। प्रसिद्ध कलाकार का नाम आप जरूर याद रखें, प्रसिद्ध कलाकार का नाम काष्ठ कला के अंतर्गत आपको याद रखना है प्रभात जी सुथार। तो हस्तकलाओं का हम अध्ययन कर रहे हैं, एक और हस्तकला हमने अध्ययन किया, तीसरी इंपॉर्टेंट हस्तकला जिसका नाम है काष्ठ कला, और काष्ठ कला के बारे में जो फैक्ट सरल सरल से आपको याद करना है, काष्ठ कला प्रसिद्ध कहाँ की है, काष्ठ कला के अंतर्गत क्या क्या वस्तुएं बनाई जाती है, और प्रसिद्ध कलाकार कौन है, ये सारी चीज़ें आप जरूर याद रखें। काष्ठ कला, प्रसिद्ध कलाकार का नाम प्रभात जी सुतार, काष्ठ कला लकड़ी के मंदिर बनाए जाते हैं, गणगौर बनाई जाती है, राजस्थान में प्रसिद्ध जो है वो बस्सी गांव चित्तौड़ की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट सेशन काष्ठ कला के बाद एक और महत्वपूर्ण हस्तकला उसको हम पढ़ते हैं। तीन हस्तकलाएँ अब तक आप साथ साथ लिखते रहिएगा, हस्तकलाओं का जो क्रम है इस क्रम में एक और फैक्ट इसके बाद आपको याद करना है, वो आपको याद करना है फड़ पेंटिंग। अब तक जो हमने लिख लिया साथ साथ याद लिख लेता हूं मैं, मीनाकारी, ब्लू पॉटरी, कास्ट कला, और ये फड़ पेंटिंग। फड़ पेंटिंग में आपको जो याद करने वाले मुख्य तथ्य याद करने हैं, सबसे पहला फैक्ट आपको याद करना है फड़ पेंटिंग होता क्या है, सबसे पहला डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। फड़ पेंटिंग के अंतर्गत ये होता है कि जो समाज के अंदर जो भी कोई व्यक्ति प्रसिद्ध व्यक्ति है, महापुरुष है, उसके जीवन चरित्र को चित्रों के माध्यम से एक कपड़े पर चित्र बनाकर दर्शाया जाता है, ताकि लोग उससे इंस्पायर हो और प्रेरित होकर उनसे प्रेरणा ले। यही तरह की जो कला है, यही तरह की जो पेंटिंग है, ये कहलाती है फड़ पेंटिंग। किसी आदर्श व्यक्ति के व्यक्तित्व को चित्रों के रूप में उकेरना कपड़े पर, वो कहलाता है फड़ पेंटिंग। तो सूती कपड़ा लिया जाता है और सूती कपड़े पर जो है वो चित्र बनाए जाते हैं, वो कहलाएगा फड़ पेंटिंग। किसी व्यक्ति के, महापुरुष के जीवन चरित्र को दर्शाया जाएगा सूती कपड़े पर, ये फड़ पेंटिंग कहलाता है। राजस्थान में जो फड़ पेंटिंग है वो प्रसिद्ध कहाँ की है, फड़ पेंटिंग के प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन से हैं, राजस्थान की कौन कौन सी प्रसिद्ध फड़ है, वे सारी चीज़ें हम आप याद करेंगे। पहला नाम आपको याद करना है राजस्थान में प्रसिद्ध कहाँ की है, फड़ पेंटिंग कहाँ की प्रसिद्ध है, तो शाहपुरा भीलवाड़ा। शाहपुरा जो कि भीलवाड़ा के अंतर्गत स्थान है और वहाँ की प्रसिद्ध है शाहपुरा भीलवाड़ा की फड़ पेंटिंग सबसे प्रसिद्ध है। इसी शाहपुरा भीलवाड़ा में फड़ पेंटिंग के बहुत सारे फड़ जो बनाई गई, उनमें सबसे प्रसिद्ध कौन कौन सी है, पहला नाम आपको याद करना है राजस्थान की सबसे लंबी फड़, जिनका नाम आपको याद करना है देव नारायण जी की फड़।
लोक देवता आप अध्ययन करते हैं, देव नारायण जी गुजर समाज के लोक देवता हैं और इन्हें ईंटों के लोक देवता भी कहा जाता है। आसिंद भीलवाड़ा में इनका जन्म स्थान भी है, तो भीलवाड़ा के साथ संबंध भी है। और भीलवाड़ा की ये जो प्रसिद्ध फड़ है देव नारायण जी की फड़, ये राजस्थान की सबसे लंबी फड़ है। राजस्थान की सबसे लंबी फड़ देव नारायण जी की फड़ है। देव नारायण जी की फड़ पर डाक टिकट भी जारी हो चुका 1992 में, और ये जो डाक टिकट जारी हुआ वो देव नारायण जी की सबसे छोटी फड़ है। मतलब सबसे छोटी फड़ भी देव नारायण जी की है, सबसे लंबी फड़ भी देव नारायण जी की है, दोनों अलग अलग हैं। सबसे लंबी फड़ सबसे छोटी फड़ भी यही है, देव नारायण जी की फड़ है वो सबसे छोटी फड़ भी है। कोष्टक लिख लेता हूँ, डाक टिकट आप समझ जाइएगा, जो देव नारायण जी के फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ वो सबसे छोटी फड़ है देव नारायण जी की। और देव नारायण जी की जो फड़ है इसकी एक विशेषता ये भी आप याद रखिएगा कि सबसे अधिक चित्रांकन, सर्वाधिक चित्रांकन देव नारायण जी की फड़ पर ही हुआ। सबसे अधिक चित्रों से भरी जो फड़ है वो देव नारायण जी की फड़ है, सर्वाधिक चित्रांकन। कई बार प्रश्न पूछा जाता है उनमें से किस फड़ पर सर्वाधिक चित्रांकन है, देवनारायण जी की फड़, रामदेव जी की फड़, गोगा जी की फड़, तेजा जी की फड़, ऐसा पूछ ले आपसे बाबू जी की फड़, तो कुछ फैक्ट आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। सर्वाधिक चित्रांकन जो होगा वो होगा देवनारायण जी की फड़, सबसे लंबी फड़ है वो भी देवनारायण जी की, सबसे छोटी फड़ वो भी देवनारायण जी की फड़। ये एग्जाम्पल हमने याद किया देवनारायण जी की फड़ के बारे में। सिमिलरली एक और नाम आप याद रखें, लोक देवता रामदेव जी की फड़। सिमिलरली एक और तीसरी फड़ आप याद रखें, पाबू जी, लोक देवता पाबू जी की फड़। पाबू जी की फड़ का सामान्य परिचय आप याद करना चाहें तो जब कभी कोई ऊँट बीमार हो जाता है तो उस बीमार ऊँट को स्वस्थ करने के लिए पाबू जी की फड़ का वाचन किया जाता है। प्रश्न पूछ ले कि कौन सी फड़ का वाचन बीमार ऊँट को स्वस्थ करने के लिए किया जाता है, तो पाबू जी की फड़ का वाचन बीमार ऊँट को स्वस्थ करने के लिए किया जाता है। चार फड़ पूछ ले और आपसे प्रश्न पूछे कि राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध फड़ कौन सी है, सबसे बड़ी छोटी अलग है, सबसे प्रसिद्ध पूछ ले तो उत्तर होगा पाबूजी की फड़, सबसे प्रसिद्ध मोस्ट फेमस फड़ वो जो है पाबूजी की फड़ हो जाएगी। तो ये फड़ पेंटिंग का सरल सरल सा जो फैक्ट आप जरूर याद रखें। इसके बाद फड़ पेंटिंग के कुछ प्रसिद्ध कलाकार के नाम वो भी बहुत बार पूछे जाते रहते हैं, साथ साथ आप लिखते रहिएगा फड़ पेंटिंग के बारे में डिटेल्स हम चर्चा कर रहे हैं। अब फड़, मान लीजिए कोई फड़ है, अगर वो फड़ छिद्रित हो जाती है, कट जाती है, तो उस फड़ का विसर्जन किया जाता है और कहाँ पर किया जाता है, स्थान भी आपसे ऐसा पूछ ले एग्जाम में, तो याद रखना पुष्कर। फड़ का विसर्जन जो है वो केवल पुष्कर में किया जाता है, और ये विसर्जन करने की जो प्रक्रिया है इसको कहते हैं फड़ ठंडी करना। तो का विसर्जन जिस स्थान पर किया जाता है वो स्थान आपको याद रखना है पुष्कर, पुष्कर अजमेर में। और ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया का जो नाम है वो हो जाएगा फड़ को ठंडी करना। तो एक सामान्य परिचय हमने याद किया फड़ पेंटिंग के बारे में, फड़ पेंटिंग क्या होती है, राजस्थान में कौन कौन सी फड़ प्रसिद्ध है। और इसी कड़ी में एक नाम आप और याद रखिएगा, चार नंबर एक और फड़, रामदला कृष्णदला की फड़। एक राजस्थान की एकमात्र एक ऐसी फड़ है जिस फड़ के वाचन के समय वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है इनमें से कौन सी फड़ का वाचन करते समय वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो आपको याद रखना है रामदला कृष्णदला की जो फड़ है, इस फड़ के वाचन के समय वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक ऐसी फड़ भी आपको याद करनी, नाम है भैंसासुर की फड़। जितनी भी फड़ हम पढ़ते हैं सारी फड़, लगभग सारी फड़ों को पढ़ा जाता है, उनका वाचन किया जाता है, पर एक ऐसी फड़ भी है जिसकी पूजा की जाती है, तो वो कौन सी फड़ है, तो याद रखना है भैंसासुर की फड़। इस फड़ की जो है पूजा की जाती है, तो एक उस फड़ का एक सामान्य सामान्य सा परिचय आप जरूर याद रखिएगा।
फड़ पेंटिंग भी हमने पढ़ा, हस्तकलाओं को पढ़ रहे थे। अब तक हमने मीनाकारी, ब्लू पॉटरी, कास्ट कला और फड़ पेंटिंग, इन चार हस्तकलाओं का एक सामान्य सा परिचय याद किया है। फड़ पेंटिंग राजस्थान में प्रसिद्ध शाहपुरा भीलवाड़ा की, एक बार रिवाइज कर लीजिए वापस। फड़ पेंटिंग होता क्या है, किसी महापुरुष के जीवन को कपड़े पर चित्रित किया जाता है, ये फड़ पेंटिंग कहलाता है। राजस्थान में फड़ पेंटिंग जो प्रसिद्ध है वो शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। कौन कौन सी फड़ है, कुछ कुछ मुख्य मुख्य जो कौन कौन सी है, देवनारायण जी की फड़, तेजा जी की फड़, रामदेव जी की फड़, बाबू जी की फड़, विभिन्न लोक देवता जो है उनकी फड़ का भी चित्रांकन किया गया है। और एक बॉलीवुड के सेलिब्रिटी अमिताभ बच्चन, उनकी फड़ का भी वाचन किया जा चुका है, वो भी आप याद कर सकते हैं, अमिताभ बच्चन की फड़। अमेरिका में इनका वाचन हुआ था अमिताभ बच्चन की फड़ का, तो वो भी कुछ कुछ फैक्ट। रामदल्ला कृष्णदल्ला की फड़ का फैक्ट आपको याद करना था, एक ऐसी फड़ है जिसके वाचन के समय वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, और एक ऐसी फड़ भी है जिसकी पूजा की जाती है, तो वो कौन सी हो जाएगी, बैसासुर की फड़। तो फड़ पेंटिंग के फैक्ट काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, इसके बाद एक और महत्वपूर्ण हस्तकला चार हस्तकला तो उन्होंने पढ़ी, पांचवी हस्तकला एक और पढ़ते हैं, नाम आपको याद रखना है, उस्ता कला। उस्ता कला उस्ता कला क्या होता है समझिएगा, ऊंट की जो चमड़ी होती है उस चमड़ी पर चित्रांकन किया जाता है और विभिन्न वस्तुएं बनाई जाती है, ये जो हस्तकला है ये उस्ता कला कहलाती है। राजस्थान में उस्ता कला प्रसिद्ध कहां की, तो याद करना है बीकानेर। उस्ता कला कहां की प्रसिद्ध है, बीकानेर की है, और प्रसिद्ध कलाकार का नाम भी आप याद कर सकते हैं, हिसामुद्दीन उस्ता, उस्ता परिवार बीकानेर। तो उस्ता कला प्रसिद्ध बीकानेर की प्रसिद्ध है, और प्रसिद्ध कलाकार का नाम, प्रसिद्ध कलाकार का नाम, जैसे प्रसिद्ध कलाकार में फड़ पेंटिंग के प्रसिद्ध कलाकार आप जरूर याद रखिएगा, फड़ पेंटिंग के प्रसिद्ध कलाकार में पार्वती जोशी महत्वपूर्ण है, आप डिटेल से याद रखिएगा पार्वती जोशी के बारे में नाम। अब बात करते हैं उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार का नाम, हिसामुद्दीन उस्ता या उस्ता परिवार बीकानेर। उस्ता बीकानेर के जो चित्रकार है वो अपनी चित्रकला में पारंगत थे, उन्हें उस्ताद कहा जाता था, और वहीं से उस उस्ता का नाम निकल के आता है, उस्ता प्रसिद्ध बीकानेर की। सिमिलरली बीकानेर की एक और कला है, उसका नाम आप याद रखिएगा, मुनवती कला। मुनवती कला एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि मुनवती कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो वो भी आपको याद करना है, मुनवती कला भी बीकानेर की ही प्रसिद्ध है। तो सामान्य परिचय हमने याद किया, मुनवती कला क्या है, उस्ता कला क्या है, कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, तो दोनों बीकानेर की प्रसिद्ध हैं। इसके बाद नेक्स्ट, मुनवती कला के बाद एक और हस्तकला पढ़ते हैं, अगली हस्तकला इंपॉर्टेंट है, नाम याद करना आपको, पिछवाई कला। पिछवाई कला, पिछवाई कला क्या होता है, डिटेल से पढ़ते हैं सारी चीज़ें। पिछवाई कला प्रसिद्ध कहाँ की है, पिछवाई कला के अंतर्गत क्या होता है, पिछवाई कला राजस्थान में नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। नाथद्वारा के अंदर श्रीनाथ जी का मंदिर है, और श्रीनाथ जी के मंदिर के बारे में आप सभी जानते हैं कि वल्लभ संप्रदाय का सबसे बड़ा केंद्र है नाथद्वारा, और वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत भगवान कृष्ण की बाल रूप की पूजा की जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी का सबसे बड़ा मेला राजस्थान में यहीं पर बढ़ता है नाथद्वारा में, और जहाँ जो कृष्ण भगवान की जो मूर्ति है, श्रीनाथ जी की जो मूर्ति वहाँ पर लगी हुई है, उस मूर्ति के पीछे एक पर्दा लगाया जाता है, उस पर्दे पर भगवान कृष्ण की विभिन्न बाल लीलाओं का चित्रांकन किया जाता है, और यही जो कला है वो कहलाती है पिछवाई कला। पिछवाई कला होता क्या है, जो भगवान कृष्ण की जो मूर्ति है, श्रीनाथ जी की मूर्ति, उस मूर्ति के पीछे एक पर्दा लगाया जाता है, और पर्दे पर विभिन्न बाल लीलाओं का चित्रांकन किया जाता है, और वो पर्दे पर चित्रांकन की जो कला है उसी को पिछवाई कला कहते हैं। राजस्थान में पिछवाई कला नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। तो पिछवाई कला के फैक्ट
आप याद रखिएगा, श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे पर्दे पर कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण ये तो हो जाएगी डेफिनेशन होता क्या है पिछवाई कला प्रसिद्ध कहाँ की है तो हमने याद किया अभी की प्रसिद्ध जो है वो नाथ द्वारा राजसमंद की है। अब नाथ द्वारा राजसमंद के कुछ और फैक्ट आप याद करना चाहें इससे जुड़ी हुई कुछ और बातें भी आप साथ साथ याद कर सकते हैं। राजस्थान में नाथ द्वारा जो मंदिर है वो भगवान कृष्ण का जो मंदिर है श्रीनाथ जी का मंदिर, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, इस मंदिर का संबंध किस संप्रदाय के साथ है, मेला कब लगता है, कुछ महत्वपूर्ण बातें आप याद करना चाहें तो एक्स्ट्रा फैक्ट भी साथ साथ याद रखिएगा। अब एक्स्ट्रा फैक्ट का संबंध पिछवाई कला से साथ नहीं है पर सिमिलर ही है, याद रखना पहला नाम आपको याद करना है मंदिर, तो जो श्रीनाथ जी का मंदिर है इस मंदिर का निर्माण 1672 ईस्वी में 1672 में तत्कालीन मेवाड़ महाराणा राज सिंह द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। मंदिर निर्माता कौन है तो मेवाड़ के शासक राज सिंह ने निर्माण करवाया। इस मंदिर में कौन सा संप्रदाय है तो नाम याद करना है वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय का राजस्थान का ये सबसे बड़ा केंद्र है वल्लभ संप्रदाय का। वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है और वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत ही वल्लभ संप्रदाय में नाम आप याद रखिएगा इनके प्रवर्तक का नाम वल्लभ संप्रदाय किसने शुरू किया था तो वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य को वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है और वल्लभ संप्रदाय का सबसे बड़ा केंद्र जो है ये नहीं यही नाथ द्वारा राजसंबंद है। इसी नाथ द्वारा राजसंबंद के अंदर गुलाबी गणगौर भी खेली जाती है। पिछले आरएस प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा जा रखा है कि गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध थी तो डायरेक्ट प्रश्न बनता है गुलाबी गणगौर, वापस रिपीट पूछ ले तो याद रखिएगा गुलाबी गणगौर भी नाथ द्वारा की ही प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा में जो भजन कीर्तन किए जाते हैं तो भगवान कृष्ण के जो भजन गाए जाते हैं ये जो कीर्तन की प्रक्रिया है इसको हवेली संगीत कहा जाता है। ऐसा प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान में हवेली संगीत कहाँ की प्रसिद्ध है तो हवेली संगीत भी नाथ द्वारा का ही प्रसिद्ध है। ऐसी वल्लभ संप्रदाय का जो सबसे बड़ा मेला है श्रीनाथ जी के मंदिर में लगने वाला सबसे बड़ा मेला कृष्ण जन्माष्टमी को आयोजित होता है, वो भी मेला आप याद रखिएगा मेला जो बढ़ता है वो कृष्ण जन्माष्टमी को। अब कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाते हैं ये भी आप सबको पता होना चाहिए कि भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, भाद्रपद महीना कृष्ण पक्ष और अष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी का मेला यही नाथद्वारा में आयोजित होता है। और मुकेश अंबानी आप सभी जानते हैं मुंबई इंडियंस जो आईपीएल की टीम है वो जब भी ट्रॉफी जीतती है आईपीएल की ट्रॉफी सबसे पहले यहीं पर लाई जाती है, ये भी सरल सा एक फैक्ट। उनके आराध्य देव है मुकेश अंबानी के, यही श्रीनाथ जी के भगवान। नेक्स्ट इससे रिलेटेड हमने याद किया पिछवाई कला क्या है, पिछवाई कला भी नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है और परिभाषा क्या थी ये हमने याद किया और इससे जुड़ी हुई कुछ और बातें हमने याद की, मुख्य रूप से वल्लभ संप्रदाय क्या है, स्थान कौन सा है, किस भगवान की पूजा की जाती है, मंदिर किसने बनाया, कब बनवाया, और भी क्या क्या फैक्ट थे हमने याद की, गुलाबी गणगौर भी कहाँ के प्रसिद्ध है, हवेली संगीत कहाँ का प्रसिद्ध है, इस तरह की बहुत सारी बातें भी आप साथ साथ याद कर सकते हैं। और मेला हमने याद किया, मेला जो लगता था कृष्ण जन्माष्टमी को ये मेला आयोजित होता है। अब कृष्ण जन्माष्टमी नाम आया तो सबसे बड़ा मेला कृष्ण जन्माष्टमी का राजस्थान के अंदर ये श्रीनाथ जी मंदिर में आयोजित होता है। ये पिछवाई कला हमने याद किया। नेक्स्ट इसके बाद एक और हस्तकला पढ़ते हैं, कोफ्त गिरी कला, हस्तकला का नाम याद रखना है कोफ्त गिरी कला। कोफ्त गिरी कला क्या होता है, कोफ्त गिरी कला के अंतर्गत क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, कोफ्त गिरी कला के अंदर यह आपको याद करना है कि जो अष्ट धातु होती है अष्ट धातु से जो विभिन्न तरह की वस्तुएं बनाई जाती है, खिलौने बनाए जाते हैं, अष्ट धातु से विभिन्न तरह के खिलौने बनाए जाते हैं उनके ऊपर सोने चांदी के तारों से जड़ाई की जाती है और यही हस्तकला का जो रूप है वो कहलाता है कोफ्त गिरी कला। तो अष्ट धातु की वस्तुओं पर
सोने चांदी के तारों से जड़ाई करने का जो काम है, अष्ट धातु की कोई मूर्ति है उसके ऊपर सोने चांदी के तार का प्रयोग करके जड़ाई की जाएगी और ये हस्तकला कोफ्तगिरी कला कहलाएगी। ये तो हो जाएगी परिभाषा, कोफ्तगिरी कला है क्या ये आपको पता होना चाहिए। अगला फैक्ट याद करना है, प्रसिद्ध कहाँ की राजस्थान में कोफ्तगिरी कला, राजस्थान में कोफ्तगिरी कला प्रसिद्ध है जयपुर और अलवर, दो स्थान याद करना है। राजस्थान में यह हस्तकला कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, तो एक तो जयपुर स्थान है और दूसरा स्थान याद करना है अलवर। जयपुर और अलवर की यह महत्वपूर्ण हस्तकला है कोफ्तगिरी कला। एक फैक्ट इससे रिलेटेड आप याद कर सकते हैं कि जो मूलतः ये जो कला है, जो कोफ्तगिरी कला है, ये मूलतः दमिश्क की है। ये फैक्ट बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में से, मूलतः कला दमिश्क की कौन सी है, तो याद करना आपको कोफ्तगिरी कला मूलतः जो है वो दमिश्क की है। कोफ्तगिरी कला का अध्ययन हमने किया और इसके बाद एक और महत्वपूर्ण हस्तकला पढ़ते हैं। राजस्थान की विभिन्न हस्तकलाओं का एक सामान्य सा परिचय याद कर रहे हैं, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है, कोफ्तगिरी कला से रिलेटेड ही है। क अक्षर से नाम एक और आपको याद करना है, कुंदन कला। कुंदन कला राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है, तो कुंदन कला के बारे में एक फैक्ट सरल सा आप याद रखिएगा, कुंदन कला भी राजस्थान में जयपुर की प्रसिद्ध है। तो अब तक जयपुर की कौन कौन सी प्रसिद्ध हमने याद किया, ब्लू वाटर भी जयपुर की थी, मीनाकारी भी जयपुर की थी और कोफ्तगिरी भी जयपुर, अलवर, कुंदन कला भी जयपुर की है। इसके बाद दसवीं एक और हस्तकला, टेराकोटा कला। टेराकोटा कला क्या होता है, टेराकोटा क्या होता है, मिट्टी जो होती है, मिट्टी विभिन्न तरह की, जो मिट्टी से जो खिलौने बनाए जाते हैं वो इसी हस्तकला के अंतर्गत बनाया जाता है। मिट्टी से खिलौने बनाने की जो कला है वो टेराकोटा कला कहलाती है। मिट्टी से खिलौने बनाने की कला टेराकोटा कहलाती है। अब टेराकोटा से रिलेटेड ही एक नाम आप याद रखिएगा, परिभाषा आप सभी याद रखिएगा, टेराकोटा कला मिट्टी से खिलौने बनाने की कला टेराकोटा कहलाती है। टेराकोटा कला भी जो राजसमंद की प्रसिद्ध है, राजसमंद जिला आप याद रखिएगा। नेक्स्ट एक और, अब कुछ अन्य फैक्ट सरल सरल से कई बार फैक्ट डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, कौन कौन से स्थान की कौन कौन से डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं, जैसे खेल का सामान कहाँ का प्रसिद्ध है, चंदन के खिलौने कहाँ के प्रसिद्ध हैं, लकड़ी के खिलौने कहाँ के प्रसिद्ध हैं, लकड़ी की तल जो है, विभिन्न तरह के जो प्रश्न बनते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट, वो सारा आप इसके साथ साथ याद रखना। पहला नाम आपको याद करना है, तलवारें, तलवार बनाने की कला। राजस्थान में सबसे अधिक तलवारें कहाँ की प्रसिद्ध थी, तो स्थान याद करना है सिरोही। तलवारें बनाने का जो केंद्र था सबसे बड़ा कौन सा था, सिरोही जिला याद करना है। दूसरा नाम चंदन की लकड़ी, चंदन की लकड़ी के जो खिलौने हैं या मूर्तियाँ कह दूँ मैं, चंदन की लकड़ी के मूर्तियाँ या खिलौने कहाँ के प्रसिद्ध है, आपसे पूछ ले तो याद रखना है चूरू, राजस्थान में जो चूरू जिला है वहाँ की चंदन के लकड़ी के खिलौने बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। फर्स्ट लेटर कॉमन मैच कर सकते हैं आप, ट्रिक से याद कर सकते हैं, च से चंदन, च से चूरू, फर्स्ट लेटर दोनों में कॉमन है, आराम से याद हो जाएगा। चंदन से एक और फैक्ट आप याद रखना, राजस्थान में चंदन का एक बहुत बड़ा उद्यान है, वो कहाँ पर है, नाम याद करना, एक शासक का नाम करौली राजवंश आप पढ़ते हो, करौली के अंदर यादव राजवंश है और यादव राजवंश के एक शासक है, उन्होंने एक बाग बनवाया हर्षुक विलास,
हर्षुक विलास उद्यान जो बनाया, ये करौली के अंदर है। और इस उद्यान के अंदर 50 से अधिक चंदन के पौधे जो है इन्होंने लगवाए, और राजस्थान का सबसे बड़ा चंदन का पार्क के रूप में विख्यात है। पूछ ले चंदन का पार्क कहाँ का प्रसिद्ध है, तो याद रखना आप करौली। किसने बनवाया, तो यादव शासक है हरिवंश पाल सिंह। ये हरिवंश पाल सिंह वही है जिन्होंने सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की थी। सबसे पहले सहायक संधि करने वाली रियासत करौली थी, वहाँ के शासक हरिवंश पाल सिंह ही थे, और उन्होंने एक उद्यान बनाया हर्षुक विलास उद्यान, ये भी करौली में। और यहाँ करौली के साथ साथ आप याद रखना चंदन के खिलौने, चंदन के उद्यान करौली, चंदन के खिलौने कहाँ के प्रसिद्ध है, चूरू। दोनों तुलनात्मक आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद एक और फैक्ट, खेल का सामान। राजस्थान में खेल का सामान कहाँ का प्रसिद्ध है, तो खेल का सामान हनुमानगढ़ का प्रसिद्ध है। हनुमानगढ़ का खेल का सामान प्रसिद्ध है। राजस्थान का फर्नीचर उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है। अब लकड़ी के खिलौने अलग है, लकड़ी के खिलौने हमने याद किया था कास्ट कला के अंतर्गत बस्सी चित्तौड़ के प्रसिद्ध थे, और लकड़ी से बना हुआ सामान जो है, जो फर्नीचर है, वो अलग प्रसिद्ध है। फर्नीचर उद्योग राजस्थान में बाड़मेर का प्रसिद्ध है। फर्नीचर उद्योग अगला नाम आपके देखना रमकड़ा उद्योग, ये कहाँ का प्रसिद्ध है, तो गलियाकोट डूंगरपुर। बादले कहाँ के प्रसिद्ध है, तो याद करना है जोधपुर। बादले जो है क्या होता है, बादले पहले पानी ठंडे करने के लिए एक ऐसा पात्र होता था जिसके अंदर कह सकते हैं नेचुरली फ्रीज, एक ऐसा पात्र जिसमें पानी ठंडा रखा जाता था, उसे बादला कहा जाता था। और ये बादले कहाँ के प्रसिद्ध हैं, तो राजस्थान में बादले जोधपुर के प्रसिद्ध हैं। ऊन की दरिया कहाँ के प्रसिद्ध हैं, तो आपको याद करना है बीकानेर। नमदे कहाँ के प्रसिद्ध हैं, तो याद करना है टोंक। ये प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं, डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया जाता है फैक्ट के साथ साथ। बीकानेर के प्रसिद्ध है ऊन की दरिया, नमदे टोंक के प्रसिद्ध हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट तो है जो सरल सरल से बहुत बार पूछ लिए जाते हैं, ये भी आप साथ साथ याद रखना। तलवारें कहाँ की प्रसिद्ध है, चंदन की लकड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है, रमकड़ा कहाँ के प्रसिद्ध है, फर्नीचर उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है। अब राजस्थान में विभिन्न तरह की जो छपाई है उसके प्रश्न भी बहुत बार पूछ लिए जाते हैं, तो वो भी आप याद रखना चाहें अगर, तो पहला नाम आपको याद करना है कुछ प्रिंट के प्रश्न पूछे जाते हैं, इंडिगो प्रिंट, इंडिगो प्रिंट के साथ साथ एक नाम याद करना है आपको ठप्पा प्रिंट। ठप्पा प्रिंट जो है वो क्या होता है, जो कपड़ा होता था पहले के टाइम में, कपड़े पर ठप्पा लगाकर डिजाइन बनाने का काम है, वो इस प्रिंटिंग के तहत किया जाता था। इंडिगो प्रिंट राजस्थान में बालोतरा के प्रसिद्ध है, बालोतरा बाड़मेर। ठप्पा प्रिंट जो है वो अकोला चित्तौड़, अब स्थान याद रखिएगा अकोला गांव जो है चित्तौड़ में है, और अकोला गांव चित्तौड़ का एक ठप्पा प्रिंट प्रसिद्ध है। ठप्पा प्रिंट से एक फैक्ट आप साथ साथ याद रखना कि राजस्थान का इतिहास हम सब पढ़ते हैं, और इतिहास के अंदर एक टॉपिक पढ़ते हैं राजस्थान की विभिन्न सभ्यताएं, सभ्यताओं में एक स्थान है आहड़ सभ्यता जो कि उदयपुर के अंदर हम पढ़ते हैं, उस आहड़ सभ्यता से ठप्पा प्रिंट के अवशेष मिले। दो प्रश्न पूछे जाते हैं कि ठप्पा प्रिंट प्रसिद्ध कहाँ का है, तो अकोला चित्तौड़, और आपसे प्रश्न पूछ ले कि ठप्पा प्रिंट के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, तो आपको स्थान याद रखना है आहड़ उदयपुर, ठप्पा प्रिंट के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो आपको याद करना है आहड़ उदयपुर, आहड़ सभ्यता
उदयपुर के अंदर। आहाड़ सभ्यता इसके स्थानीय धूलकोट नाम से भी जानते हैं। आहाड़ सभ्यता ग्रामीण सभ्यता था। हम पूरे डिटेल से पढ़ेंगे आहाड़ सभ्यता विशेष से, वहाँ वापस डिटेल से सारी चीज़ें याद करेंगे। यहाँ सरल सा फैक्ट ठप्पा प्रिंट, प्रसिद्ध गांव का तो प्रसिद्ध पूछे तो अकोला गांव चित्तौड़, और अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए तो आपको याद करना है आहाड़ सभ्यता उदयपुर से इसके अवशेष भी प्राप्त हुए। ये हस्तकलाओं का एक सामान्य सा परिचय हमने याद किया, जहाँ विभिन्न तरह की हस्तकलाओं का एक सामान्य सा परिचय याद किया। उम्मीद है वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। आज का वीडियो कैसा लगा अपने रिव्यू शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इंटीग्रेटेड।